मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 19 ए. अ डाइस इज टोस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 7 कमिंग अप? तो आप बताएं बच्चों कि 7 के आने की डाइस में क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 7 तो होता ही नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 0, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 7 कमिंग अप इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर 7 कमिंग अप इज 0. नाउ बी पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 7 कमिंग अप. यू नो वेरी वेल ऑल द नंबर्स आर लेस देन 7 इन अ डाइस, सो फेवरेबल आउटकम्स लेस देन 7 इज इक्वल टू 6, बिकॉज ऑल नंबर्स आर लेस देन 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इट इज टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6. सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 ऑल्सो, 5 एंड 6 कैन कम. टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है 6 होते हैं उसमें. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन सेवन कमिंग अप इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं बच्चों जो कि हमारे आ सकते हैं, और टोटल कम आउटकम्स वो होते हैं जो कि टोटल मिलाकर होते हैं. तो इन दोनों में ये क्या है, सेम. वी राइट हेयर 6/6 इज इक्वल टू 1. तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 7 कमिंग अप इज इक्वल टू 1. क्लियर एवरीवन? लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. लिस्ट द आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग द व्हील गिवन अलोंग साइड, ऑल्सो फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. तो बच्चों, इट इज अ स्पिनर, इट हैज ए 2 times, बी 1 time, सी 1 time एंड डी 1 time. तो टोटल आउटकम्स ए ए बी सी डी, टोटल आउटकम्स इज 5. ए 2 times आ सकता है, बी 1 time, सी 1 time, डी 1 time. तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए इज इक्वल टू 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 एंड टोटल कम आउटकम्स इज इक्वल टू 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया बच्चों, 2/5. नाउ फेवरेबल आउटकम्स फॉर बी, बी 1 time हेयर, टू वी राइट 1. टोटल आउटकम्स हमें सेम है सभी में, तो हम एक ही बार लिखेंगे 5 उसको. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी इज इक्वल टू 1/5. नाउ सेम प्रोबेबिलिटी, सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स फॉर सी, हाउ मेनी टाइम्स सी हेयर, 1 time. टोटल आउटकम्स इज 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/5. सेम फेवरेबल आउटकम्स फॉर डी इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1/5. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 head एंड 1 tail व्हेन 2 coins टॉस टुगेदर. इफ 2 coins टॉस टुगेदर, टोटल आउटकम्स इज क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड भी आ सकता है,
टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और हेड टेल भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं बच्चों? 8। फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या चाहिए? वन हेड एंड वन टेल, या तो हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4, 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? 1/2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग लेटर जी फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश। हाउ मेनी टाइम्स जी हेयर? 1 टाइम। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू जी, इट मीन्स 1। टोटल आउटकम्स, टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7, वी टेक 7। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स हेयर? 1 2 3 4 5 6 7। एंड फेवरेबल आउटकम ऑफ जी मीन्स 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग जी इज इक्वल टू 1/7। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स। वन बॉल इज सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बॉल इज ग्रीन? तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 5 रेड बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 12। 12 में से हम ले सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? कम से कम दैट द सेलेक्टेड बॉल इज ग्रीन। हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स हेयर? 7। तो वी राइट हेयर 7, 7 ग्रीन बॉल्स। इट मीन्स इट इज फेवरेबल आउटकम्स। नाउ प्रोबेबिलिटी that the selected ball is green is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Favorable outcomes is equal to 7 because green 7 balls and total outcomes is equal to 12. So probability that the selected ball is green is equal to 7/12. So aap yahan likh lenge probability that the selected ball is green is equal to 7/12. ठीक है, now in next video we are continuing this exercise. Okay.